नमस्कार सर. ओके, आप विभोर के फादर? यस मैम. ओके, कब से पढ़ रहा है सर विभोर स्कूल में? क्लास थर्ड में उसने यहाँ शुरू किया था मैम. अच्छा. अभी वो क्लास ग्रेड सेवन में है. तो फिर क्या चेंजेस पाए, कुछ है आपका चेंजेस स्कूल में आने के बाद, उसका एडमिशन करवाने के बाद में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम. एक्चुअली जब मैं थर्ड क्लास में उसको एडमिट करवाना था स्कूल में, हाँ, तो मैं स्कूल सर्च कर रहा था शहर में, हाँ, और ऐसे ही सर्च करते करते मैं विजडम स्कूल पहुँच गया था. और विजडम स्कूल में आकर के जैसे मेरी पिलानिया सर से बात हुई, और जैसे मैंने देखा उनके बातें सुनी कि किस तरह से वो बच्चों के साथ वर्क करेंगे, हाँ, तो उससे काफ़ी अफेक्ट हुआ मैं. ओके. और उसी दिन फैसला लिया कि विजडम स्कूल बिल्कुल सही स्कूल है उसके लिए, हाँ, क्योंकि बच्चे की ना केवल फिजिकल ग्रोथ बल्कि मेंटल ग्रोथ जो कि काफ़ी अच्छे से हुई है स्कूल में. ओके. तो मैं मान सकती हूँ कि अगर मैं पूछूँ सैटिस्फाइड, हाईली सैटिस्फाइड? क्या? बिल्कुल, आई एम हाईली सैटिस्फाइड. ओके. यस. एक और चीज़ होती है यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स का. हाँ जी. विभोर ने कितनी लाइब्रेरी बुक्स पढ़ रखी है? फर्स्ट ईयर उसने मेरे ख्याल से अबाउट 100 कर दी थी. अबाउट 100 फर्स्ट ईयर? यस मैम. ओके. और वो पूरी 100 नहीं कर पाया था, अदरवाइज वो काफ़ी कोशिश कर रहा था कि पूरा 100 हो जाए उसका फर्स्ट ईयर भी. और हर साल वो 50-60 नई बुक्स पढ़ता रहता है लाइब्रेरी की. अच्छा, मींस अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स स्कूल प्लस लाइब्रेरी की भी रीडिंग स्किल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. यस. हाँ बिल्कुल, बुक्स पढ़ना ना केवल उसकी रीडिंग स्किल्स को अच्छा कर रहा है, बल्कि इनडायरेक्ट वे में वो ग्रामर भी सीख रहा होता है, चाहे वो हिंदी की बुक्स पढ़ रहा है चाहे इंग्लिश की पढ़ रहा है. और ये शायद एक अच्छा इंजॉयबल तरीका होता है ग्रामर को सीखने का, बजाय एक बोरिंग वे से जो एक ट्रेडिशनल वे है ग्रामर को सीखने का. बिल्कुल. और दूसरी चीज़, इतने ग्रेट राइटर्स हैं, उनके ग्रेट आइडियाज़ उसको जो है बुक्स के थ्रू मिलते हैं सुनने को, पढ़ने को, और ये काफ़ी अच्छा है उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए. एक और चीज़ होती है नो टीवी डे. यस. क्या वो फॉलो होता है? बिल्कुल मैम, अब तो इतना फॉलो होता है कि स्कूल ने शायद थर्सडे रखा हुआ है नो टीवी डे, बट हमने घर में एवरी डे नो टीवी डे किया हुआ है. अच्छा. टीवी एक तरफ रख दिए हैं. यस यस मैम. और ये मदर वर्कशॉप अटेंड करने का क्या पर्पज़ है, मीन्स आप क्या लर्न कर रहे हो, कितने टाइम से आप अटेंड कर रहे हो मदर वर्कशॉप? बच्चे को मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए ज़रूरी है कि ना केवल टीचर्स बल्कि पेरेंट्स भी उसके साथ में दोनों मिल करके जो है वर्क करें बच्चे के साथ, और आपस में एक इंट्रैक्शन होता है टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी. और दूसरा जो है ना केवल मदर्स बल्कि मदर्स वर्कशॉप में फादर्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड, तो मदर और फादर दोनों को जो है पता चलता है कि बच्चे के साथ किस तरह से वर्क करे, ताकि बच्चा और ज़्यादा निखर करके आए, ना केवल एकेडमिक्स में बल्कि वो एक अच्छा सिटीजन भी बने. यस मैम. ओके. तो अपॉर्चुनिटी होती है, इज देयर इज लाइक कि नहीं कि अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है या फुल ऑन अपॉर्चुनिटी होती है सारे फील्ड्स में उसे? बिल्कुल फुल ऑन अपॉर्चुनिटीज हैं. ओके. बिल्कुल हर फील्ड में. ओके. कुछ और एक्सपेक्टेशन कुछ स्कूल से आपको? स्कूल से एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जैसे चल रहा है बिल्कुल उसी मोटो के साथ चलता रहे. Okay. और दुआएं करते हैं कि स्कूल जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, जैसे बच्चों ने इतना कुछ सीखा है, पेरेंट्स इतना अच्छे से स्कूल के साथ सेटिस्फाई हैं, और खुद जब हम दूसरे पेरेंट्स से मिलते हैं, मुझे तो किसी का बच्चा दिखाई दे जाता है तो ये लगता है कि इस बच्चे का फ्यूचर ख़राब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका जो है आज प्रेजेंट भी ख़राब नहीं होना चाहिए. उसमें पढ़ाई का डर ना रहे, पढ़ाई वो जो है अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से करे. तो इसके लिए, बल्कि कल ही मुझे एक पेरेंट मिले और मैंने उनको जो है बड़े अच्छे से इस बारे में बताया, और काफ़ी देर सुनने के बाद वो बोले आप ये कहना चाह रहे हो कि वहाँ बच्चे को बहुत खुला छोड़ा जाता है. मैंने कहा कि मैं बताना तो यही चाह रहा हूँ, एक लाइन में बोल सकता था, बट मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि खुला छोड़ना किस लिए ज़रूरी है, उसको कितना ओपन माहौल मिलेगा तो उससे ग्रोथ जो है वो किस तरह से होगी. मीन्स किसी और को अगर इस स्कूल में एडमिशन करवाना होगा तो आप उसे कैसे कन्विंस करते हैं, या फिर आपके कोई नेबर वगैरह? मीन्स कन्विंस इन द सेंस कि ठीक है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लगते हैं स्कूल में कि स्कूल में एडमिशन होना चाहिए? स्कूल का सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है मैम कि यहाँ बच्चे को डराया या धमकाया नहीं जाता है कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई से नफरत नहीं करवाई जा रही है. सबसे पहली बात यह है कि अगर उसके हम माइंड के ऊपर एक प्रेशर डाल देंगे तो प्रेशराइज्ड बच्चा जो है वो क्या पढ़ेगा, क्योंकि हमने अपनी स्कूलिंग भी देखी है,
तो हम चाहते हैं कि बच्चे को बिल्कुल ओपन छोड़ा जाए ताकि वो अपनी मर्जी से पढ़ना सीखे, और इसी वजह से जो है ये स्कूल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। मोस्ट वेलकम।